नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राव शांति फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी लोग सामने इस वीडियो के माध्यम से एक लेटेस्ट और शानदार टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं लूसेंट बुक के बारे में। लूसेंट ये ऐसी बुक है, जो भी अभ्यर्थी इस बुक को हल्के में ले रहा है उस पर कॉम्पिटिशन पड़ सकता है भारी। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लूसेंट आपकी हेल्प करने वाली है और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प करने वाली है और हर क्षेत्र में आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में देंगे संपूर्ण जानकारी। तो आज हम जानेंगे कि लूसेंट में हम अपना इंटरेस्ट और जागरूकता आग कैसे पैदा कर सकते हैं और लूसेंट को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है और कितने दिन में इसको कवर किया सकता है। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप फालतू वीडियो तो बहुत देखते हैं, इस तरह की वीडियो को देखिए ताकि आपका नॉलेज भी डेवलप हो सके और साथ में आपको समझ में आएगी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को हम प्रिपरेशन करने के लिए लूसेंट को किस तरह से अपना जीवन साथी बना सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कैसे फाइट किया जा सकता है और किसी भी बुक को पढ़ने का क्या रास्ता और क्या तरीका होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे लूसेंट के बारे में। अब लूसेंट बुक के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस बुक में हमको क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल है इस बुक के अंदर। तो ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है, इसमें हमको क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसकी विषय सूची। इसकी विषय सूची क्या है, तो जैसा कि मैंने इसका आप फ्रंट पेज खोल कर देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको मिलेगी प्रस्तावना में विषय सूची, ठीक है। उस विषय सूची को इसको मैं शब्दों में आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा इतिहास, इतिहास देखने को मिलेगा। इतिहास में तीन रूप आपको देखने को मिलेंगे, तीन भाग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके बाद आपको भूगोल मिलेगा, भूगोल में दो रूप, भारत और विश्व का भूगोल। फिर तीसरा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विज्ञान के तीन भाग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध खेलकूद एंड कंप्यूटर। तो ये सब इसके क्या है, विषय सूची इसके सब्जेक्ट है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी बात करें। ट्रेजेडी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से आप सब्जेक्ट को कवर करेंगे और आपके अंदर इंटरेस्ट भी जागृत होगा। एक आग तो आपको लेकर आनी पड़ेगी, यदि आप सूरज की चमक को पाना चाहते हैं, यदि सूरज की चमक को पाना चाहते हैं तो तपन को सहन करना पड़ेगा, तपन को सहन करना पड़ेगा। यदि कामयाबी पानी है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए एक आग लाने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इतने सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को चॉइस कर लीजिए। चलिए इतिहास डिफिकल्ट होता है और इतिहास कवर करना ही बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे पहले हम लेंगे इतिहास। इतिहास हमने ले लिया, इतिहास में से आप कोई भी उठा सकते हैं, प्राचीन भारत उठा लीजिए, मध्यकालीन उठा लीजिए या आधुनिक इतिहास उठा लीजिए। इस सब्जेक्ट को आपको देने हैं दो घंटे आपको देने हैं, इसको कितने घंटे देने हैं आपको, दो घंटे। अब इतिहास के साथ साथ आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। जैसे आपने उठा लिया, मान लीजिए इंटरेस्ट जागृत करने के लिए भूगोल उठा लिया, ठीक है, तो दो घंटे आपको इसको भी देने हैं। भूगोल में सबसे पहले आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे, ना कि विश्व का। तो पहले आपको किसका पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, किसके साथ, इतिहास के साथ। तो दो घंटे इसको देना है, दो घंटे इसको देना है। अगर आप मॉर्निंग में इसको पढ़ रहे हो तो इवनिंग में इसको पढ़िए, इवनिंग में इसको पढ़ रहे हो तो मॉर्निंग में इसको पढ़िए। अब दो घंटे के बाद आपको एक घंटा एक्स्ट्रा निकालना है किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें विविध पढ़िए आप, विविध काफी अच्छा दिया हुआ है लूसेंट में, तो एक से डेढ़ घंटे आपको क्या करना है, विविध पढ़ना है। तो अब आपके दो दो और एक, पांच घंटे में कितने टॉपिक कवर हुए, इतिहास कवर हुआ, भूगोल कवर हुआ और विविध कवर हुआ। ऐसा वाला जो रूटीन है वो आपको रेगुलर 10 डेज तक आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जब तक 10 दिन तक आप इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं, इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तब तक आप किसी अदर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलिए अब 10 दिन के बाद 11वां दिन आएगा तो अब आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे कि बात करें इतिहास ही अभी अपन को पकड़ना है, इतिहास कवर करना है। जैसे इतिहास में आपने हो सकता है कि 10 दिन तक आपने प्राचीन इतिहास चलाया हो या मध्यकालीन इतिहास चलाया हो या आधुनिक जो भी चलाया हो। अब अगले जो 10 दिन का जो 11वां दिन होगा उस दिन आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक उठा लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब आपने भारतीय अर्थव्यवस्था उठा ली और इनमें से जो भी टॉपिक आपका रह गया है उसको उठा लिए, तो दो घंटे इसको दीजिए और साथ में बीच का जो टाइम रहेगा उसमें आपको, चलिए मैं बता देता हूं आपको, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस लीजिए। साइंस में चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स। चलिए आपने केमिस्ट्री उठा ली, क्या उठा ली, केमिस्ट्री। तो दो घंटे आपका मध्यकालीन इतिहास चलेगा, साथ ही आपका दो घंटे अर्थव्यवस्था चलेगी और एक घंटे आपकी रेगुलर केमिस्ट्री चलेगी। तो ये आपको कितने दिन तक फॉलो करना है,
10 दिन तक। अब 20 दिन हो चुके हैं जिसमें आपका प्राचीन भारत कवर हो चुका है, संपूर्ण तो नहीं होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। प्राचीन भारत कवर हो गया, विविध कवर हो गई और भारत का भूगोल कवर हो गया। अगले 10 दिन में आपका मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और केमिस्ट्री कवर हो गई। फिर अगले 10 दिन आपको रूटीन बदलना है, आधुनिक इतिहास उठाना है, आधुनिक इतिहास को उठाने के साथ साथ अब आप भूगोल के, विश्व के भूगोल को भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। या अगर आपसे ये छूट गया तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, और साथ में 1 से 1.5 घंटे आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो 30 दिन का रूटीन हो गया। तो 30 दिन में आपका पूरा इतिहास कवर हो गया, भूगोल का भारत कवर हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था कवर हो गई और विविध, और बीच में जब भी आपको टाइम मिले तो इनका रिविजन भी आपको करते रहना है। इसी प्रकार का रूटीन आपको हर टॉपिक में लेना है। और साथ ही आपको एक काम और करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक कैसे पढ़ते हैं, कई लोग क्या ऐसे खोला बीच में से कहीं से भी देख लिया, ऐसे नहीं करना है। कई लोगों ने आपसे सिखाया होगा बट ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपने जब इतिहास उठाया तो आपको रेगुलर यहां से पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं बीच में से कहीं भी से पढ़ना नहीं, ठीक है, गलत बात। आपको पूरा पढ़ना है, साथ ही साथ आपको एक पेन लेना है, उस पेन से आपको जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो भी आपको लगा है कि इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से एक स्टोरी पढ़ी है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पढ़ देंगे, तो जब भी कभी भी ये पेज खुलकर आएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की क्या हिस्ट्री थी, क्या जो भी उसका पैराग्राफ होगा वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे, उस समय आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और हेडलाइन के लिए आप एक मार्कर ले सकते हैं, ठीक है, उससे आप हेडलाइन बना सकते हैं हर लोकेशन पर, जगह जगह पर, जहां जहां आपको वो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये काम आप करके देखिए, ये वाला जो रूटीन है, अगर आपने इसको 30 से 35 दिन तक या 40 दिन तक अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो 101% गारंटी दे रहा हूँ, 101% गारंटी आपको लूसेंट पूरी की पूरी आपकी कवर हो जाएगी। पूरी कवर तो किसी की नहीं होती, लेकिन इतनी कवर हो जाएगी कि अगर लूसेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनने वाला है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको रेगुलर भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, हर एक टॉपिक को मैं लेने वाला हूँ, तो लूसेंट के सारे टॉपिक को भी मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका जो लूसेंट का अभियान चलाएंगे, उस अभियान में क्या रहेगा कि लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।